मूवी की स्टार्टिंग बर्क नामक गांव से होती है, जहां ड्रैगन इंसानों पर अटैक करते हैं और यहां के लोग ड्रैगन से डरते नहीं बल्कि उनसे फाइट करने वाले वाइकिंग्स हैं। तभी हमें 15 साल का एक लड़का हिकअप दिखाई देता है, जो इस मूवी का हीरो है। हिकअप ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन उसे सब लोग मना करते हैं क्योंकि वो बाकियों की तरह पावरफुल न होने की वजह से ड्रैगन से लड़ नहीं सकता, साथ ही कोई हथियार भी नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ड्रैगन का शिकार ही सब कुछ है, इसीलिए हिकअप हार न मानते हुए ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ने का सोचता है। नाइट फ्यूरी ड्रैगन में सबसे खतरनाक ड्रैगन है, जो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हिकअप नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए अपना बनाया हुआ हथियार लेकर जाता है और अंदाजे से ही उसमें लॉन्चर फेंकता है, जिसे नाइट फ्यूरी गिरता दिखता है। हिकअप खुश हो रहा होता है कि इतने में ही एक ड्रैगन उस पर अटैक करने लग जाता है, जिसे स्टोइक देख लेता है, जो हिकअप के पिता है, और हिकअप को बचाने आ जाता है, जिससे सारे ड्रैगन भाग जाते हैं और विलेज में तबाही हो जाती है। स्टोइक सबके सामने हिकअप पर गुस्सा करता है तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप कुछ नहीं कहता और चुपचाप स्टोइक के ऑर्डर के मुताबिक गोबर के साथ घर की तरफ चला जाता है। गोबर उसे घर छोड़कर जाता है तो हिकअप पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोइक सबको कन्विंस कर रहा होता है कि अगर हम ड्रैगन को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, इसीलिए हमें उनका ठिकाना ढूंढकर उन्हें ही मार डालना होगा। लेकिन सभी गांव वाले मना कर देते हैं क्योंकि जो भी अभी तक वहां गया वह नहीं लौटा। स्टोइक अकेला ही जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि जो भी यहां रुकेगा वो हिकअप का ख्याल रखेगा, क्योंकि हिकअप तो किसी की सुनता ही नहीं है। और सभी गांव वाले स्टोइक के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। स्टोइक गोबर के पास आके बैठता है और उसे बताता है कि अगले दिन से गोबर को बच्चों को ड्रैगन को मारने की ट्रेनिंग देनी होगी। गोबर स्टोइक को कहता है कि वो हिकअप को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करना चाहता है, लेकिन स्टोइक बहुत से रीजन देता है कि हिकअप कभी भी ड्रैगन्स को नहीं मार सकता क्योंकि वो सब वाइकिंग से अलग है। गोबर उसे समझाता है कि वो हिकअप की ताकत देखने के लिए उसे एक चांस देना चाहिए और फिर ही फैसला करना चाहिए कि हिकअप ड्रैगन को मार सकता है या नहीं। तभी सीन हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है और वो उसे गिरा हुआ मिल जाता है। हिकअप उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे हेल्पनेस देखकर मार नहीं सकता और उसे खोल देता है। नाइट फ्यूरी उसमें अटैक करता है लेकिन उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। हिकअप डरकर घबरा जाता है, लेकिन वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उड़ नहीं सकता और गिर जाता है। हिकअप डर में वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ स्टोइक उसे बताता है कि गोबर कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा और हिकअप को ड्रैगन को मारना होगा, लेकिन हिकअप मना कर देता है। लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से ड्रैगन का ठिकाना ढूंढने चला जाता है। अगले दिन हिकअप तफ्तर रफ्तर फिशलेग सनोट आउट एस्टिन सबके साथ ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाता है और गोबर कहता है कि तुम्हें इनसे लड़कर ही सीखना होगा और एक ड्रैगन को खोल देता है। सभी एक एक करके आउट हो जाते हैं और ड्रैगन हिकअप के पास आता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है कि गोबर उसे बचा लेता है और हिकअप को समझाता है कि ड्रैगन हमेशा हमें मारेंगे। ये सुनकर हिकअप परेशान हो जाता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया और उसकी तलाश में जाता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ वो गिरा था। उसे नाइट फ्यूरी तालाब के पास दिखाई देता है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। हिकअप उसकी ड्रॉइंग बनाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नाइट फ्यूरी का पूंछ वाला पंख कट गया है। हिकअप उसे देख ही रहा होता है कि उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। नाइट फ्यूरी उसकी तरफ देखता है, जिस पर हिकअप डर कर वापस आ जाता है। गोबर सबके साथ डिनर कर रहा होता है और उन्हें ड्रैगन के बारे में जानने के लिए एक बुक देता है और कहता है कि आज ड्रैगन से लड़ाई नहीं होगी और आज तुम्हें बुक ही पढ़नी होगी, जिसे सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हिकअप पूरी रात उसे पढ़ता रहता है और उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन हिकअप गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछता रहता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन से लड़ने में फोकस नहीं करा पाता, इसीलिए वो एस्टिन को भी खतरे में डाल देता है और एस्टिन उस पर गुस्सा करती है। हिकअप ट्रेनिंग से निकलकर नाइट फ्यूरी के पास फिश लेकर जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चाकू की वजह से डर रहा होता है, जिससे हिकअप अपना चाकू भी दूर फेंक देता है और नाइट फ्यूरी फिश खा लेता है। हिकअप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट
नाइट फ्यूरी उसे दोस्ती के सबूत के तौर पर मछली का आधा टुकड़ा देता है जिसको हिकअप को खाना पड़ता है। फिर वो उसके साथ गेम खेलता है और उसे अपने आप को भी हाथ लगाने देता है। हिकअप वापस सबके पास डिनर करने जाता है तो गोबर उन्हें स्टोरी सुनाता है कि कैसे ड्रैगन ने उसके हाथ पांव खा लिए थे, जिसके बीच में वो जिक्र करता है कि अगर ड्रैगन की पूंछ पर मौजूद विंग्स काट दे तो ड्रैगन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हिकअप वहाँ से चला जाता है। वो सारी रात बहुत मेहनत करके टूथलेस के लिए विंग्स बनाता है और उसे ट्राई करवाने के लिए अगली सुबह उसके पास जाता है। हिकअप उसके पास फिश की एक बाल्टी भर के ले जाता है तो टूथलेस फिश में से ईल निकालने का इशारा करता है। हिकअप ईल निकाल कर दूर फेंक देता है। टूथलेस फिश खाने लग जाता है और हिकअप पूंछ पर बैठकर विंग लगा देता है। टूथलेस को जब यह एहसास होता है तो फ्लाई करने लग जाता है। हिकअप को उसका व्हील खोले रखना होता है लेकिन टूथलेस ये नहीं जानता, इसीलिए वो हिकअप को नीचे गिरा देता है लेकिन फिर खुद भी गिर जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग में ईल दिखाकर ड्रैगन को कंट्रोल करके केज में डाल देता है। सब बहुत हैरान होते हैं लेकिन हिकअप उनके क्वेश्चन से बचता भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन में हिकअप अपने पांव से विंग्स अटैच करके विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही वो टूथलेस के बिहेवियर को भी देखकर ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है और उन्हें मारने के बजाय कंट्रोल करना सीख लेता है। जैसे घास से रब करने पर उनका खुश होना, गर्दन पर रब करने से उनका सो जाना वगैरह वगैरह, और उसकी टेक्निक के पीछे का सच न जानते हुए सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो हीरो बन जाता है। लेकिन एस्ट्रिक उस पर शक करने लग जाती है। हिकअप और टूथलेस की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो जाती है और वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और एक दिन हिकअप उसके ड्रॉइंग को बगैर देखे उसके विंग को कंट्रोल करना सीख जाता है और राइड भी करने लगता है। साथ ही बहुत से ड्रैगन हिकअप के फ्रेंड बन जाते हैं। हिकअप को अपने बचपन से ड्रैगन के बारे में सिखाई गई बातें गलत लगने लग जाती है। वो टूथलेस के पास से घर आता है। वहीं दूसरी ओर स्टोई ड्रैगन का ठिकाना न मिलने पर निराश होता वापस आता है। गोबर उसे हिकअप की इम्प्रूवमेंट का बताता है। स्टोई हिकअप के रूम में जाता है। वह बहुत खुश होता है और उसकी माँ का हेलमेट उसे देकर चला जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग देखने गांव वालों के साथ स्टोइक भी आता है और ट्रेनिंग के लास्ट तक बचे हिकअप को एक ड्रैगन से मुकाबला करना होता है, जिसमें हिकअप अपनी टेक्निक से ड्रैगन को सुला देता है। उसके बाद लास्ट राउंड के लिए सिलेक्शन का टाइम आता है और हिकअप को लास्ट राउंड में ड्रैगन को मारने के लिए चूज किया जाता है, जिस पर सेड हुआ हिकअप टूथलेस से मिलने जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन वहाँ एस्टिन मौजूद होती है जो टूथलेस को देखकर वहाँ से डरकर भागती है। हिकअप टूथलेस पर बैठा उसके पीछे जाता है और उसे टूथलेस पर बिठाकर यह बताने लेकर जाता है कि ड्रैगन अच्छे हैं। टूथलेस पहले तो एस्टिन को पसंद नहीं करता और वो एस्टिन को डराता है, लेकिन जब एस्टिन माफी मांगती है तो वो उसे बहुत ही स्लो राइड कराता है। वो खुश हो रहे होते हैं कि टूथलेस उन्हें बाकी ड्रैगन के ठिकाने की तरफ ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि ड्रैगन उनकी विलेज से कलेक्ट किया फूड नीचे वोल्केनो में फेंक रहे हैं, जहाँ हक ड्रैगन निकलकर फूड न देने वाले को खा जाता है। और ऐसा करता देखकर टूथलेस उन्हें फौरन वहाँ से ले जाता है। वो वापस फॉरेस्ट आते हैं तो एस्टिन हिकअप को कहती है कि उन्हें ड्रैगन के ठिकाने का स्टोरी को बताना होगा, लेकिन हिकअप टूथलेस की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो कोई प्लान सोच लेगा और एस्टिन उस पर यकीन करती चली जाती है। नेक्स्ट डे हिकअप को फायर ड्रैगन के सामने लाया जाता है। हिकअप अपने वेपन्स फेंक कर सबको दिखाता है, ड्रैगन को प्यार करने लगता है और उन्हें बताता है कि ड्रैगन डेंजर नहीं है। लेकिन स्टोइक गुस्से में मेटल पर हैमर मारता है। ड्रैगन आवाज की वजह से गुस्से में आता अटैक करने लग जाता है। हिकअप को डेंजर में महसूस करके टूथलेस भागते हुए ही ग्राउंड की तरफ आने लगता है, जहां स्टोइक हेल्प के लिए अंदर गए एस्टिन को निकाल देता है। लेकिन हिकअप अंदर ही होता है तभी टूथलेस मेटल में होल करता अंदर आता है और हिकअप को ड्रैगन से बचाता है। ड्रैगन जब पीछे होता है तो स्टोइक टूथलेस पर अटैक करता है। वो उस पर फायर फेंकने लगता है लेकिन हिकअप के कहने पर वो रुक जाता है और स्टोइक उसे पकड़वाकर सब ड्रैगन के साथ केज में डाल देता है। स्टोइक हिकअप को घर ले जाकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, जिस पर हिकअप उसे बताता है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए फूड चोरी करना पड़ता है। साथ ही वो उनके ठिकाने पर जाने का जिक्र कर देता है और स्टोइक के पूछने पर बताता है कि उसे लोकेशन नहीं पता, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन ही उसके बारे में बता सकते हैं। स्टोइक ड्रैगन को यूज करके ठिकाने पर जाने का सोचता है तो हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक उसे अपना बेटा मानने से इनकार करता चला जाता है और हिकअप शोक में वहीं रहता है। स्टोइक शिप पर टूथलेस को बंधवाता है और अपनी आर्मी को लेकर ड्रैगन के ठिकाने की तरफ निकल जाता है।
जाता है। एस्ट्रिन हिकप को कहती है उसे ट्यूथलेस की हेल्प करनी होगी और हिकप अपने सब दोस्तों को बुलाता है और ड्रैगन को ट्रेन करके राइड करने को कहता है। इधर ट्यूथलेस स्टॉय की आर्मी को ड्रैगन के ठिकाने की तरफ लीक करता है जहाँ वो पहाड़ तोड़ते हैं, तो सारे ड्रैगन वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, जिस पर सब लोग सोचते हैं कि हम जीत गए हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन ट्यूथलेस को घबराता हुआ देखकर स्टोइक समझ जाता है कि अभी वो जीते नहीं है और ऐसा ही होता है क्योंकि माउंटेन के बीच से एक बहुत ही बड़ा जायंट ड्रैगन निकल आता है और उनकी शिप को आग लगा देता है। स्टोइक सबको जाने का कहके लड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि हिकप सब ड्रैगन के साथ ड्रैगन पर बैठा वहाँ आ जाता है और सबको ड्रैगन को उलझाने के तरीके बताता है और खुद ट्यूथलेस को आजाद करवाने जाता है। हिकप ट्यूथलेस को छुड़ा ही रहा होता है कि जायंट ड्रैगन शिप पर अटैक कर देता है जिससे शिप टूट जाती है और वो पानी में डूब जाते हैं। हिकप बेहोश हो जाता है, तभी स्टोइक वहाँ आकर हिकप को बाहर निकाल कर लाता है और फिर वो सी में जाकर ट्यूथलेस को भी खोल देता है। ट्यूथलेस स्टोइक को पकड़कर ऊपर ले आता है और हिकप उस पर बैठकर ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। वो दोनों जायंट ड्रैगन को उकसाते हैं और उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जायंट ड्रैगन उड़ने लग जाता है। हिकप ड्रैगन को अपने साथ फ्लाई करवाता स्काई में ले जाता है जहाँ ट्यूथलेस अपने आप को छुपाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन सारी जगह आग लगा देता है। ट्यूथलेस का विंग भी जलने लग जाता है। हिकप ट्यूथलेस को नीचे की तरफ ले जाता मोड़ता है और वो ड्रैगन के मुंह में फायर शूट कराता है जिससे जायंट ड्रैगन की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो नीचे गिरता है तो दूर दूर तक धमाका हो जाता है। ट्यूथलेस और हिकप ऊपर उड़ ही रहे होते हैं कि ट्यूथलेस का पंख पूरी तरीके से जल जाता है जिससे हिकप और ट्यूथलेस आग में गिर जाते हैं। ट्यूथलेस हिकप के पीछे जाता है। आग खत्म होते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। स्टोइक हिकप को ढूंढते ट्यूथलेस के पास आता है। सब लोग वहां आ जाते हैं, हिकप कहीं नहीं दिखता। सब लोगों को लगता है कि हिकप मर गया है, लेकिन ट्यूथलेस अपने पंख खोलता है और हिकप उसके अंदर होता है। स्टोइक देखता है कि हिकप जिंदा है और ट्यूथलेस का शुक्रिया करता है। हिकप की जब आँख खुलती है तो ट्यूथलेस उसके घर में उसके पास होता है। हिकप देखता है कि उसका एक पाँव कट गया है और उसकी जगह लोहे का पाँव लगा होता है। वो बाहर आता है जहाँ गांव के सब लोग अब ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं और स्टोइक बताता है कि वो अब ड्रैगन के साथ लड़ेंगे नहीं बल्कि उनके साथ रहेंगे। साथ ही गोबर हिकप को गिफ्ट में ट्यूथलेस के लिए पंख देता है। एस्ट्रिन वहाँ आती है और हिकप को किस करती है और फिर दोनों राइड पर जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।